हेलो। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा टॉप टू वेज टू बिल्ड सीक्रेट हाउस या रूम या बेस, ठीक है। तो अभी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, तो सबसे पहला जो तरीका है उसके लिए ना हमें कोई हाउस चाहिए होगा, इसी तरह का हमें चाहिए, ठीक है। दो हाउस है इस तरह के, एक ये है और एक वो है। तो भाई ओके, तो ये भी एंट्रेंस, ठीक है, हमें ऐसा ही रूम चाहिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है ना, यहाँ पे ये बेड हटा देना, ठीक है। यहाँ पे हमें ना इस तरह कुछ कर देना, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे वेल और माइन का। ओके गाइस, हम यहाँ पे इस तरह लगा देंगे, एक मिनट और हटाना पड़ेगा भाई। और फिर माइन कार्ड को हम यहाँ पे रखेंगे आगे। ये लो देखा, अभी हम इसमें अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सही हो गया, ठीक है। अभी हम ऐसा करेंगे, माइन कार्ड को प्लेस कर देंगे यहाँ पे, हमें प्लेस करना होगा माइन कार्ड को। चलो भाई, अभी हम यहाँ पे माइन कार्ड को प्लेस करते हैं और इसे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। अब हम इसे कवर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और इसे हमने नहीं कवर करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम बेड प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अरे है यहाँ पे बेड नहीं प्लेस होता है, ये यहाँ पे पहले ब्लॉक लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ से ब्लॉक हटा देते हैं, बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसे हाइट करने के लिए यहाँ पे हम कारपेट्स लगा सकते हैं। तो क्या गाइस, देख सकते हो हमारा पहला सीक्रेट हाउस या बेस या रूम जो भी है रेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इसमें इंटर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो भाई, नॉर्मल बंदा इधर आएगा, जाएगा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल रहा, ठीक है। लेकिन हम पता क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल एक बना लेते हैं भाई। अरे यार, इसको हटाओ यार, रुको यार। ओके, तो अब अगर मैं एंगल इस पर करूँ यार, ये क्या। ओके तो गाइस, पता नहीं ये काम क्यों नहीं कर रहा, लेकिन था कुछ ऐसा कि हमें ना उस माइंड कार्ड पे वाइड करना था। तो अभी हम चेंज करेंगे यहाँ पे, इसे हम हटाएंगे कारपेट को, फिर वाइड करेंगे। और ये हम यहाँ पे सीक्रेट बेस में आ गए, ठीक है। यहाँ पे अब हम सीक्रेट बेस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेस्ट वगैरह कोई रखनी हुई तो, और उसके बाद जब हमें वापस जाना होगा तो यहाँ से, ठीक है, सीधा ये जो हमने इस ये माइंड कार्ड रखी थी ना, इस पर हम जाएंगे वाइट करेंगे और उसके बाद जाम, बस सिंपली, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब हमें कारपेट हटाना होगा बाकी, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी हम दूसरा सीक्रेट हाउस बनाते हैं। ओके, तो अगला सीक्रेट बेस हम बनाने के लिए हमें इस तरह कोई माउंटेन जैसा एरिया चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ना सबसे पहले ये एरिया थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ओके, तो अभी हमने भला क्या करना है, अभी हम ना यहाँ पे 3 ब्लॉक्स की हाइट इस तरह, और हम इस तरह माइंड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे लगाने होंगे 2 पिस्टन इस तरह, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टोन लगा देते हैं और यहाँ पे भी 1 स्टोन लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमें ना एक स्टेयर को इस तरह हमने रख देना है, ठीक है, इस तरह ये नज़र आएगी। उसके बाद एक ऑब्जर्वर लगा देना है, बल्कि उल्टा लगा दिया भाई, इस तरह हमने ऑब्जर्वर लगा देना है, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट कर देना है इधर इधर और इधर, ठीक है। और यहाँ पे हम रख देंगे ये, अभी एक बार चेक करते हैं। ओके, तो सही काम कर रहा है भाई। ओके, तो अभी हमने वाटर यहाँ पे प्लेस करना है। तो ये पिस्टन देखो भाई, इसे देखा, वाटर हम वहाँ पे प्लेस करेंगे तो यहाँ पे ये एरिया खुल जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बना सकते हैं अपना, ठीक है, अगर बनाना चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं सीक्रेट बेस, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, स्टोन को वैसे यहाँ पे लगा देते हैं, मैं सोच ये रहा हूँ ये जो वाटर है इसे अभी मैंने वापस लिया, फिर ये बंद कैसे होगा, मैं ये सोच रहा हूँ भाई। मैंने वैसे पता क्या किया था, पहली बार में ये पिस्टन ऐसे ही है, ठीक है, स्टोन यहाँ पे लगा देती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे वाटर प्लेस किया, यहाँ पे एरिया खुल गया, ठीक है ना। चलो, तो अभी हम इस बेस को कह सकते हैं वन टाइम के लिए हो सकता है, या तो बार बार जब जाओगे यहाँ पे स्टोन लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टोन लगाओगे वापस, फिर यहाँ पे वाटर डालना होगा, या तो स्टोन पर, या तो एक और भी चीज़ हो सकती है भाई, ये यहाँ पे स्टोन लगा के यहाँ पे बस इस तरह रैंडमली ले लो, आप ही खुल जाएगा। तो ओके गाइस, यही थे टॉप टू वेज टू मेक आ सीक्रेट बेस इन माइनक्राफ्ट। अबे ठीक थे ना, बस क्या गुजारे काबिल थे ना। तो गाइस, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।